लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीएम योगी से मुलाकात करेंगे नृपेंद्र मिश्रा। तो शाम 5:30 बजे सीएम योगी से मुलाकात होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं नृपेंद्र मिश्रा। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां सीएम योगी से आज मुलाकात करेंगे नृपेंद्र मिश्रा, जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। तो शाम 5:30 बजे मुलाकात का वक्त रखा गया है। सीएम योगी से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य नृपेंद्र मिश्रा आज सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां 5:30 बजे सीएम योगी से मुलाकात का वक्त जो है वो रखा गया है। तो उच्च स्तरीय बैठक में भी शामिल होंगे। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं नृपेंद्र मिश्रा। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीएम योगी से मुलाकात करेंगे नृपेंद्र मिश्रा। शाम 5:30 बजे सीएम के साथ ये मुलाकात होगी। मुलाकात पर सबकी निगाहें, इसके बाद उच्च स्तरीय बैठक में भी शामिल होंगे। तो आज सीएम योगी से मुलाकात करेंगे नृपेंद्र मिश्रा। शाम 5:30 बजे जो है वो मुलाकात का वक्त रखा गया, उसके बाद उच्च स्तरीय बैठक में भी जो है शामिल होंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी लाइव जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। आदित्य, आज जो सीएम योगी से मुलाकात करेंगे नृपेंद्र मिश्रा, आज नृपेंद्र मिश्र शाम को लखनऊ आ रहे हैं और सीएम योगी से वो मुलाकात करेंगे। उसमें आगे का खागा भी तय होगा कि राम मंदिर निर्माण की तिथि क्या तय होगी, कब से राम मंदिर निर्माण शुरू होगा, ये सारी बातचीत होगी। और उच्च स्तरीय बैठक है, मैं आपको बता दूं कि कल भी अयोध्या से डॉक्टर अनिल मिश्र भी आए हुए थे, उनकी भी कई बैठकें यहाँ पर हुई हैं। तो ये तैयारी शुरुआत हो गई थी कल से ही, और आज नृपेंद्र मिश्र आएंगे, वो योगी से मुलाकात करेंगे, उसके बाद वो कल सुबह यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे, वहां पर संतों से मुलाकात करेंगे जाके। जी आसिया, बिल्कुल आदित्य, शाम को ये मुलाकात होगी। कई मायनों में मुलाकात काफी अहम है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पूरी तरह से जो खाका है वो यहाँ पर इस मुलाकात के दौरान तैयार करने की कोशिश होगी। अगर उच्च स्तरीय की बैठक करें तो इसका क्या मुख्य एजेंडा यहाँ पर रहने वाला, और उस बैठक में कौन कौन नेता जो है वो शामिल होंगे? देखिए, शाम को जो बैठक होगी उसमें जो जानकारी मिल पा रही है अंदर से छनकर जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक एक शिविर कार्यालय लखनऊ में भी खोला जाएगा। इस शिविर कार्यालय में राम मंदिर निर्माण से संबंधित जो भी निर्णय होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, उसको गति देने के लिए एक शिविर कार्यालय लखनऊ में खुलेगा। और आपको बता दें कि चूँकि नृत्य गोपाल दास अयोध्या में है नहीं, वो वृंदावन में है, इसलिए नृपेंद्र मिश्र की मुलाकात कल नृत्य गोपाल दास से तो नहीं हो पाएगी, लेकिन बाकी संतों से वो मिलेंगे, क्षेत्र में जाकर के विजिट करेंगे। और फिलहाल रामलला को एक बुलेट प्रूफ कमरे में शिफ्ट करने की भी प्लानिंग चल रही है, ताकि उनको सुरक्षित वहां रखा जा सके, और अगर दर्शनार्थी आए तो उनको कोई व्यवधान ना हो, उनके दर्शन भी होते रहे, और इधर राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो सके। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरह से ऐतिहासिक फैसला अयोध्या में राम मंदिर को लेकर आया था, उसके बाद से लोगों के जहन में यही है कि आखिर निर्माण कब शुरू होगा। लेकिन अब ट्रस्ट में जिस तरह से नाम सामने आया, उसके बाद विवाद भी देखने को मिला था, ये तमाम जो अटकलें हैं वो खत्म हो गई हैं। और जिस तरह से आज मुलाकात होने जा रही है, तो क्या माना जाए जो लोगों का इंतजार है, लोगों के जहन में सवाल है, उस पर भी कहीं ना कहीं विराम आज इस मुलाकात के बाद? जी आसिया, जो जानकारियां हो रही हैं और लगभग कंफर्मेशन है इन जानकारियों पर, मुहर भी है, इसी रामनवमी पर जो है उम्मीद है कि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसको लेकर के गतिविधि भी शुरू हो गई है। अयोध्या में कल ही वहां पर आसपास साफ सफाई का काम शुरू हो गया था, बुलडोजर वगैरह वहां पर बिल्कुल तैयार हैं। जैसे ही इशारा मिलेगा, जैसे ही आदेश मिलेगा, वो अपनी कार्रवाई, मतलब वहां पर निर्माण कार्य से संबंधित जो भी कार्य हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे। इसी को लेकर नृपेंद्र मिश्र का आज ये पहला दौरा है, जब से वो राम तीर्थ ट्रस्ट में वो सदस्य बने हैं, उसके बाद उनका लखनऊ में पहला दौरा है। आज वो मुख्यमंत्री से जब मिलेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी, और इसमें सारी रणनीति मंदिर निर्माण को लेकर के तय कर ली जाएगी। उसके बाद कल वो संतों के पास जाएंगे, संतों से भी बात करेंगे, उनकी क्या राय है, उन सबके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा कि कैसे क्या निर्माण होना है, मंदिर निर्माण कब से शुरू होना है और किस प्रकार से कार्य शुरू होगा। चलिए आदित्य, इस बैठक को लेकर आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।